वेल, ये मैगज़ीन के बारे में मैं इतना ही जानती हूँ कि ये मेंस हेल्थ मैगज़ीन है और आई एम श्योर दैट दिस विल बी वेरी गुड एंड इट विल हेल्प ऑल द मेन इन in the, in maintaining their health and I think health is wealth, so basically this should be something very good. Thank you very much. लेकिन मैं यही चाहूँगी या मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हमेशा अपना वर्कआउट रेजिम रेगुलरली फॉलो करूँ, साथ साथ में अपना डाइट पैटर्न फॉलो करूँ और मेडिटेशन, आई मेडिटेट अ लॉट ऑल्सो. So I think all that helps me and keeps me going happy. Depends on my work schedule. जब मैं काम कर रही होती हूँ तो पैटर्न अलग होता है, नहीं कर रही होती हूँ तो अलग होता है. सो इट्स लाइक दैट. मैं ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में नहीं खाती, ज़्यादातर जब से मैं एक हेल्थ डाइट फॉलो कर रही हूँ पैटर्न, ज़्यादा मैं घर पर ही होम कुक फूड पसंद करती हूँ. कम फ्राइड खाना नहीं खाती, या होम कुक फूड है जिसमें ऑयल बहुत कम है, तो उस तरीके का खाना. And which is not bland, but which is tasty. ये मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ये गलत फहमी आपको कहाँ से हो गई क्या मुझे खाना बनाना पसंद है. आई डोंट कुक, लेकिन हाँ जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तो मैं कुक करती थी, लेकिन अभी काफ़ी सालों से मैंने खाना नहीं पकाया है. ऐसे मुझे बैंगन का भरता और भिंडी की भाजी बहुत पसंद है, और अभी समय नहीं है कि मैं आपको पूरा रेसिपी दे सकूं, लेकिन बहुत इजी सा तरीका है. उसको बस प्याज टमाटर में मसाले को भूनते हैं और फिर उसमें भाजी डाल देते हैं, और फिर आई लाइक इट आधी कच्ची पकी, जहाँ पर एकदम पूरा ज़्यादा नहीं पका दे, दम पे रख के पका देते हैं. सूर्य बलजात्या की जी की सारी फिल्में हमेशा एक पारिवारिक फिल्में होती हैं, और उसमें शादी ब्याह का बहुत डिटेल्ड एक बहुत ही खूबसूरती से दिखाया जाता है, फंक्शंस जो सारे रस्मों रिवाज के से. मेरे ख्याल से ये फिल्म भी एक साफ़ सुथरी अच्छी पारिवारिक फिल्म होगी, जिसमें सारे रस्मों रिवाज का डिटेल होगा और अच्छी फिल्म होगी. अभी तक ऐसे कोई प्लान, अभी विचार दिमाग में है नहीं, लेकिन अगर कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड आके स्वीप्स मी ऑफ माय फीट, देन शायद कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है. गुड नेचर्ड एंड बिग हार्टेड, लार्ज हार्टेड एंड ह्यूमरस, इंटेलिजेंट टू कन्वर्स विद, एंड ऑफ कोर्स अ फन लविंग पर्सन. ऐसे तो टच वुड मुझे बहुत अच्छे अच्छे मौके मिले थे और बेस्ट चॉइसेस मिले थे, और मैं भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि ये सारे चांसेस मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं. तो अब मेरे मन में यह विचार ऐसा कुछ नहीं है.